लिखने से बहुत अच्छा चीज होता है नंबर वन। नंबर टू, मैंने बोल दिया क्या क्या चीज आपको करनी है एक हफ्ते में या फिर जिस दिन में तुम छुट्टी ज्यादा रहता है उस टाइम में खाली नहीं। हाय गाइस, आई एम आकाश, यू आर वाचिंग आकाश टॉक्स। फिर आप लोगों के तरह तरह के कमेंट्स आ रहे थे, ईमेल्स आ रहे थे कि भैया पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्लास 11 में, क्लास 12 में भी, तो हम लोग यार कुछ सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो कैसे अपना सेल्फ स्टडी का टाइम निकाले, कैसे सारे पढ़ाई को यार कंप्लीट करें, इसके साथ साथ कैसे एक अच्छा मार्क्स जो कि मेन फोकस है हम लोगों को जो अभी के जो एग्जाम आ रहा है हाफ ईयरली में कैसे लाए, ठीक है, यही आज का क्वेश्चन है। तो इसका मैं आंसर देने वाला हूँ पूरे वीडियो, आई थिंक एक तक देख सकते हो जितने भी यार क्लास 11 के बच्चे हो, क्योंकि यार मैं भी यार मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ जब मैं क्लास 11 में था, बहुत यार प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग को यार एग्जाम रहता है, हम लोग को यार ट्यूशन रहता है, काफी ट्यूशन बढ़ जाता है मैं बोल सकता हूँ या फिर क्लास 11 एंड 12 में, एंड उसके साथ आपको स्कूल भी जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में प्रैक्टिकल, जिन लोगों के साइंस है प्रैक्टिकल्स है तो प्रैक्टिकल्स भी आपको अटेंड करनी है क्लास, अदरवाइज तुम उधर फेल हो जाओगे, मतलब यार कर नहीं पाओगे, तो इतने सारे चीज एक साथ कैसे हम हैंडल करें, ठीक है, आज का क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, तो चलो इसके बारे में आपको यार सारे चीज बोलता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाकर कर सकते हो, मैं उधर लाइव आता रहता हूँ एंड आपसे डायरेक्टली बात करता हूँ, ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार क्लास 11 एंड 12 में बहुत सारा ट्यूशन जो कि यार प्राइवेट ट्यूटर के हम पढ़ते हैं या फिर जो यार क्लासेस रहता है यार जो कि यार ट्यूशन क्लासेस वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, सबका, तो सिर्फ तुम्हारा नहीं सबका ही बढ़ जाता है, क्योंकि यार 11 एंड 12 का प्रेशर कुछ ऐसा है किसी किसी लोग यार एक सब्जेक्ट के लिए दो दो टीचर्स रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यार बहुत सारे लोग यार समझ में नहीं आता है, बहुत सारे स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाता है, तो इसलिए रखना पड़ता है, मैं नहीं बोलूंगा कि यार गलत है, अच्छा ही है, ठीक है, बट आपको खुद को भी अपना टाइम निकालना पड़ेगा, अदरवाइज तुम कैसे कोप अप करोगे, कोप अप करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 एंड 12 में, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है, क्या क्या चीज मैंने किया था तो मेरे को यार थोड़ा फायदा आया था इसके बाद से, ठीक है। तो यार सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि जितने भी यार बच्चे हो आप लोग, तो यार क्लास 11 में जो कि हो आप आईसीएसई पास करके इधर आए हो, तो आप यार सब कुछ देख रहे हो, हाँ बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर बढ़ गया है, इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे मतलब यार एक सब्जेक्ट का इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम बढ़ गया है, वो भी आपको खत्म करनी है इस टाइम के अंदर, तो ज्यादातर सबको यार रियलाइजेशन ज्यादा आता है कि हाफ ईयरली के बाद, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ हाफ ईयरली का रिजल्ट सबका बहुत गंदा होने वाला है, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ यार सबका, ज्यादातर लोगों का 90% का हाफ ईयरली का रिजल्ट बहुत गंदा होने वाला है, तुम देख लेना, काफी सारे स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह है, तो यूनिट टेस्ट वगैरह में आपका जो कोर सब्जेक्ट है, अगर आप तुम्हारे साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, इनमें उतना अच्छा मार्क्स नहीं आएगा जितना यार क्लास 10 में आता था या फिर 9 में आता था, उतना अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, किसी का नहीं आता, ठीक है, मेरा भी नहीं आया था, आपका भी आई गेस नहीं आएगा एज कम्पेयर टू क्लास 9 एंड क्लास 10, तो अभी करना क्या है, बट आपको तो यार सिलेबस कंप्लीट करना है, इसके साथ साथ आपका बोर्ड्स भी है, ठीक है, मतलब क्या क्लास 11 में अगर बोर्ड्स प्रिपेयर करेगा तो उसके लिए भी हमको यार थोड़ा तैयारी रखनी चाहिए, ठीक है, तो यार सुनो दो तीन इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा, आप फॉलो करो, आई गेस तुम्हारा ये टिप्स काम आएगा, ठीक है, क्लास 11 एंड 12 में ये टिप्स काम में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो जो ट्यूशन से तुम जा रहे हो, जो जो नोट्स लिख रहे हो अपने टीचर से या फिर जो जो नोट्स वो लोग दे रहे हैं, वो नोट्स को ना घर आके जब भी टाइम मिलता है लिख लो, क्योंकि अगर हम लिखते हैं ना एक दो बार या फिर तीन बार अगर तुम लिखते हो ना, एक हैंड का एक मेमोरी रहता है, ठीक है, एक हैंड का एक मेमोरी रहता है कि जब हम लिखते हैं हम हमारे हाथ में हाथ खुद ब खुद एक यार एक मेमोरी आ जाता है, सपोज हम सब कुछ एक साथ पढ़ नहीं पाते या फिर बहुत लैग लगता है, बहुत लेथर्जी आता रहता है, मेरे को भी आता था, ठीक है, उतने सारे ट्यूशंस करके कराने के बाद यार अच्छा नहीं लगता, स्कूल कर रहे हैं, ट्यूशंस कर रहे हैं, होमवर्क्स कर रहे हैं, उसके बाद खुद ब खुद प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, तो उसके बाद प्रॉब्लम होता है, मेरे को भी पता है, ठीक है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट तरीका है जो तुम कर सकते हो, मैं एकदम लिटरली बोल रहा हूँ जो तुम कर सकते हो, करके देखो, आई गेस तुम्हारे बहुत अच्छे फायदा होने वाले हैं, ठीक है, हैंड लिख लो जितना अच्छा होता है, जितने नोट्स है घर आकर लिख लो, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट यार देखो, ऐसा तो कोई दिन होता है कि सपोज तुम हफ्ते में 5 दिन स्कूल जाते हो, तो सैटरडे संडे को तो छुट्टी है, ज्यादा स्कूल में छुट्टी है, मैं पकड़ रहा हूँ, जिन लोगों का छुट्टी भी नहीं है उन लोग भी यार एटलीस्ट एक या फिर दो दिन तो छुट्टी लेता है, मैं उन स्कूल की बात कर रहा हूँ जिन स्कूल की यार 75% के ऊपर अटेंडेंस का मार्क्स दिया गया है, ठीक है, ये थोड़ा खराब है, मेरा स्कूल में ही था कि भैया तुमको 80% अटेंडेंस लानी है, यार ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब कि यार ज्यादातर मैं बात कर रहा हूँ साइंस का, क्योंकि यार हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब कि मेरे टाइम में भी पढ़ना पड़ता था, आपके टाइम में भी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज
यू कैन नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स और योर क्लास ऑफ और योर जॉइंट, क्योंकि पढ़ना बहुत तो पड़ेगा ही, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, तो वही तुम अच्छा मार्क्स नहीं ले पाओगे, ठीक है। एंड पढ़ना भी पड़ेगा एक अच्छा वे में, ऐसा नहीं कि यार सिर्फ पढ़ ही जा रहा है, अच्छा वे में पढ़ना है, ठीक है। तो जिन लोगों यार सैटरडे एंड संडे को छुट्टी रहता है, ट्राई करो यार कम से कम ट्यूशन रखना, अगर ट्यूशन रखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यार बहुत सारे क्लासेस जो की है, जो कि यार फिट जी आकाश ये सारा जो है वो ज्यादा सैटरडे एंड संडे को ही होता है, ठीक है। तो ट्राई करो यार जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे हो उस दिन, या फिर जो दिन तुमको यार थोड़ा ज्यादा गैप मिल रहा है या फिर फ्री मिल रहा है उस दिन के अंदर ना थोड़ा यार ज्यादा मैथ्स कर लो, ठीक है। मैथ्स तो डे टू डे करना ही पड़ेगा, थोड़ा मैथ्स ज्यादा कर लो, इंग्लिश का भी जो कि हम लोग का लिटरेचर में ट्राई करो एक पोएम या फिर एक टेम्पेस्ट, या फिर जिन लोगों का यार टेम्पेस्ट हो गया और जो है स्टोरी है वो वाला, एंड एक यार मतलब यार एक यार पोएम, ठीक है। ये भी आपको यार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जिन लोग यार कंप्यूटर है, मैं उस उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकंड टिप जो कि आप लोगों का अगर तुम करते हो ना, मैं लिख के दे रहा हूँ यार 90 प्लस तुमको आएगा आईएससी में, यार मैं एकदम लिख के दे रहा हूँ। उसके साथ साथ प्रोग्राम भी करो, एकदम प्रोग्राम भी करो, जिन लोग यार आईएससी बोर्ड में हो एंड जिन लोग यार सीबीएसई में हो, आपका आप पाइथन का प्रोग्राम करो, आप लोग जावा का प्रोग्राम करो, ठीक है, एकदम लिटरली मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि यार एक अगर तुम हफ्ते में 3 से 4 प्रोग्राम करते हो ना, ज्यादा मैं बात नहीं करो, सिर्फ 2-3 या फिर 3 से 4 इतना करो यार, 2 से 3 करो या फिर 3 से 4 करो, अगर इतना सा प्रोग्राम और कोड करते हो ना, अपने प्रैक्टिकल में करो, कंप्यूटर में करो, अपने कॉपी में करो, जिधर करो करो, बट करो, ऐसा नहीं कि नहीं करो, करो, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड यार इसके साथ देखो यार हम लोग को यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो क्या जिन लोगों का कोर्स चल रही है, तो यार ध्यान देना ही पड़ेगा, सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा मैथ्स में, क्योंकि यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सबको खा जाता है, मैं लिटरली बात कर रहा हूँ। चाहे आप क्लास 10 में थे तभी यार मैथ्स था, अभी तो यार मैथ्स का लेवल थोड़ा इंक्रीज कर गया है, देखो यार फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स अगर थोड़ा समझते हो, दिमाग है आपके पास, इजीली हो जाएगा। केमिस्ट्री अगर लर्न कर सकते हो ज्यादा, एक्सेप्शंस वगैरह ज्यादा है, तो अगर लर्न कर सकते हो वो भी हो जाएगा, ठीक है। बट यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर तुम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब अच्छे मार्क्स कभी नहीं आएगा। मैं यार ना आईएससी के पहले यार सारा रात मैथ्स करता था, क्योंकि यार मतलब सारा रात नहीं बोल सकते हो, अप टू 2:30-3 बजे तक मैं मैथ्स करता रहा, क्योंकि अगर मेरे को मालूम है अगर मैं मैथ्स अच्छा नहीं करूंगा तो मेरे को मैथ्स में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। हाँ मेरे को वैसा ही हुआ, मेरे को अच्छा मार्क्स नहीं आया, फिजिक्स में शायद 90 के ऊपर ठीक है तो ठीक है, बट मैथ्स में मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं जो जिन जनरल मेरे बैच में जितने सारे बच्चे थे, जिस लड़के को यार 97% भी मिला था ना, मेरा ये फ्रेंड है जिस बच्चे मतलब क्या जो लड़के को मिला था, वो लड़के यार उनका भी यार मैथ्स में अच्छा मार्क्स नहीं आया, मैं सबका बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए यार ये सेकंड पॉइंट है कि यार मैथ्स करो जितनी जल्दी हो सके यार करो, एंड जितने हो सके करो, एंड इसके साथ साथ जितने बोला थोड़ा यार टाइम दो इसके ऊपर, थोड़ा ज्यादा टाइम दो। एंड नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका सेकेंड लैंग्वेज या फिर आपका कंप्यूटर या फिर आपका फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये जो यार 3 सब्जेक्ट है ना, मतलब क्या किसी का 2 है किसी का 3 है, ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर या फिर आपको कितने सब्जेक्ट लिए हो, ये 2 या फिर 3 सब्जेक्ट में किसी किसी एक सब्जेक्ट ना आपको यार थोड़ा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखनी है, ठीक है। क्योंकि यार फिजिकल एजुकेशन में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि यार शायद मेरे से कम मार्क्स लाया, बट फिजिकल एजुकेशन में आईएससी में 100 में से 100 लाया, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो, कंप्यूटर में भी तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ देखो आईएससी में या फिर सीबीएसई में, दोनों बोर्ड्स में बात कर रहा हूँ, तो किसी एक सब्जेक्ट ज्यादा प्रेशर होगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ किसी एक सब्जेक्ट में वो हर बार थोड़ा ज्यादा प्रेशर दे देता है बच्चों को। मतलब क्या प्रेशर, कैसा तुम लोग बोलो भैया कैसा प्रेशर यार, एक वो लोग ना ऐसा प्रेशर देता, मतलब क्या देखो मेरे टाइम में मैथ्स का पेपर टफ हुआ था, मेरे जो भैया है जो मेरे से 5 साल सीनियर है उसके टाइम में फिजिक्स था थोड़ा ज्यादा हुआ था, एंड इस साल तो यार सीबीएसई बोर्ड का अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, लिटरली यार फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ हुआ था, 82% बच्चे पास किए थे फिजिक्स में, तो सोच सकते हो कितना दिया। तो किसी एक सब्जेक्ट आपको यार थोड़ा बोर्ड से प्रेशराइज कर दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट का परसेंटेज उठाने के लिए ना आपको किसी मतलब किसी सेकेंड या फिर थर्ड सब्जेक्ट है जो कि यार हो सकता है सेकेंड लैंग्वेज, जो कि यार हो सकता है कंप्यूटर, जो कि यार हो सकता है फिजिकल एजुकेशन, तो ये तीनों सब्जेक्ट ना आपको ये परसेंटेज वो एक सब्जेक्ट खा जाएगा, वो सब्जेक्ट को उठा देगा, मतलब उठा कितना उठा देगा 90% ऊपर तक उठा सकता है, ठीक है, इतना अच्छा वो सब्जेक्ट्स है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उन सब्जेक्ट को भी ध्यान देनी चाहिए, ठीक है, स्पेशली तो यार फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर को
था थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस मैंने आपको बहुत सारी चीज बोल दिया क्या क्या चीज करना चाहिए। हैंड मेमोरी होता है, हैंड मेमोरी में लिख कर तुम चीजें रिमेम्बर कर सकते हो, थोड़ा रिकॉल कर सकते हो, चीजें समझ सकते हो। एक दो बार लिख लो, लिखने से बहुत अच्छा चीज होता है, नंबर वन। नंबर टू, मैंने बोल दिया क्या क्या चीजों को करनी है एक हफ्ते में या फिर जिस दिन में तुम छुट्टी ज्यादा रहता है उस टाइम में खाली नहीं बैठना है, ऐसे चीज करना है। कभी कभार दिमाग जम होता है तो जाकर थोड़ा टेरिस में घूम लो, थोड़ा किसी यार फिजिकल एडुकेशन कर लो, मतलब क्या स्किपिंग वगैरह कर लो, बट यार पबजी मत खेलो प्लीज, यार पबजी मत खेलो ठीक है। अगर गेम पबजी में मतलब किसी भी गेम मत खेलो, जो गेम तुम खेलोगे ना यार गेम में यार बहुत सारा यार दिमाग प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए गेम मत खेलो, नंबर टू पॉइंट। नंबर थ्री पॉइंट, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि कौन सब्जेक्ट तुमको उठाएगा मार्क्स, नीच से आपको ऊपर तक उठा देगा ये सारे सब्जेक्ट्स, तो वो भी अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए फिर करना चाहिए ताकि तुम्हारा परसेंटेज भी 12th में अच्छा मार्क्स कैरी करे ठीक है। यही मेन बात है, मेरा भी हुआ तो सबके साथ, आपके साथ भी सेम आई गेस ऐसा ही होगा। तो आई गेस जितने लोग मेरे को आईसीएस से फॉलो कर रहे हो आप मेरी बात मानते हो, जो लोग अभी भी न्यूली ज्वाइन कर रहे हो चैनल में, आई गेस आप मेरा बात एक महीने के लिए मन के देखो, तुम्हारा यार अच्छा रिजल्ट होने वाला है ठीक है। तो चलो यार मैं वीडियो इधर खत्म करता हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है, आपको बोरिंग लग रहा है शायद आई गेस। तो चलो सिया, हैव अ गुड टाइम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।